अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इरम मोइन किचन में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए जो है इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए वो ये हैं। डेढ़ पाव मैंने गोश्त लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है। आधा किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल। चार मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको बारीक काट लिया है। दो आदद मीडियम साइज़ के टमाटर और चार हरी मिर्चें। डेढ़ प्याली पानी गोश्त गलाने के लिए, तीन खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, तीन खाने के चम्मच दही। इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, नमक और पिसा गरम मसाला। बिरयानी मसाला का पैकेट, हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लिया है, उसमें गोश्त ऐड किया है, डेढ़ प्याली पानी ऐड किया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया, चार अदद हरी मिर्चें, जो मसाले मैंने निकाले थे वो ऐड कर दिए हैं गोश्त में। गोश्त को एक बॉयल आने तक पकाएंगे, फिर धीमी आंच पर गोश्त गलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ एक पैन लिया है, उसमें ऑयल ऐड किया है, प्याज ऐड की है, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुकी है। एक पैन लिया है, उसमें पानी लिया है चावल बॉईल करने के लिए, इसमें बड़ी इलायची एक अदद, दो छोटी इलायची, हरा धनिया, पुदीना, तेज़पात, बादानी फूल, बादियानी फूल, इसको सिफारी फूल भी बोल सकते हैं, और दो अदद लौंग ली हैं। पानी बॉयल हो चुका था, इसमें चावल ऐड कर दिए गए हैं। चावल को 80% तक बॉयल करना है। चावल का पानी निकाल लिया है। प्याज जो फ्राई की थी उसको अच्छे से मैश कर लिया है। तीन अदद आलू बुखारे ऐड किए हैं, ज़ाफ़रानी रंग और बिरयानी मसाला, हरा धनिया, पुदीना और प्याज, ये जो अलग से है ये तेह में जाएगी हमारी। गोश्त हमारा गल चुका है, इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला ऐड किया है, प्याज ब्राउन हुई हुई मैश कर ली थी वो भी ऐड कर देंगे, आलू बुखारा भी ऐड कर देंगे। दही ऐड की गई है, लास्ट में हरा धनिया पुदीना ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर रख देंगे टमाटर गलने के लिए। टमाटर हमारे गल चुके हैं, अब इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। कोरमा हमारा रेडी है,
अब चलते हैं तेह की तरफ। तेह के लिए हमें चाहिए ऑयल, चावल, कोरमा, हरा धनिया पुदीना, प्याज फ्राई हुई हुई, ज़ाफ़रानी रंग, उसमें पानी ऐड कर दिया था। एक पैन लिया है, उसमें ऑयल ऐड किया है, चावल ऐड करते हैं। कोरमा ऐड होगा अब इसमें। तेह वाली बिरयानी बहुत ही मज़े की स्पाइसी होती है, बहुत मज़ेदार। कोरमा ऐड हो चुका है, दोबारा चावल की तह लगाएंगे। चावल की तह लग चुकी है, ज़ाफ़रानी रंग अच्छे से डाल देंगे सब तरफ। बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। फ्राई की हुई प्याज ऊपर से गार्निश कर देंगे। हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे। लास्ट में जो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। आप घी भी गरम करके ऐड कर सकते हैं इसमें। इसको दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। बिरयानी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। मैं इसको इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बिरयानी को रायता और सलाद के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।